प्रदेश भर में प्रशासन गांव के संग अभियान आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि एक ही स्थान पर नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, साथ ही पट्टे आदि के लिए भटकना नहीं पड़े। शिविर में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिले। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक भीमराज भाटी ने एवन टीवी के साथ बातचीत में कहा कि आमजन को पट्टे मिलने में परेशानी हो रही है, नागरिकों की मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। साथ ही अवैध बहुमंजिला इमारतों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जिससे रसूखदारों के हौसले और बुलंद हो रहे हैं। हालांकि भाटी ने यह भी कहा कि जैसे जैसे आगे समस्याएं पहुंच रही हैं, वैसे वैसे इनमें सुधार भी हो रहा है। शहरों के अभियान के तहत जो है नगर परिषद द्वारा और विभिन्न नगर पालिकाओं द्वारा आमजन के कार्य संपादित करने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। हकीकत क्या है, जनप्रतिनिधियों का क्या कहना है और इन्होंने इस दौरान यहाँ क्या देखा है, इस बारे में हम बात करते हैं वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक भीमराज जी भाटी से। आप बताएं, ये जो अभियान चल रहा है, वाकई इससे जनता को क्या लाभ हो रहा है? इससे जनता को तो क्या लाभ हो रहा है वो तो जनता जाने। मैं जो यहाँ देख रहा हूँ वो ये हालत है कि ये इंदिरा शहरी क्रेडिट कार्ड एक योजना चलाई है मुख्यमंत्री जी ने, योजना बहुत अच्छी है, पर उसमें 50,000 लोन दे रहे हैं, वो 50,000 4400 रुपये हर महीने वसूल कर रहे हैं। 50,000 में क्या तो आदमी खाएगा, क्या कमाएगा, क्या धंधा करेगा? नंबर टू, जो पट्टों की बात है, पट्टों में 20 तरह के लेकुना डाल रखे हैं। जैसे जैसे चीफ मिनिस्टर को वो मिल रहा है, जैसे चीफ मिनिस्टर को फीडबैक मिला कि भाई ये यहाँ बैठ के कर रहे हैं, तो इनको इंस्ट्रक्शन दिया कि वार्ड वाइज जाओ, तो ये अब आज से वार्ड वाइज जा रहे हैं, वार्ड वाइज कर रहे हैं। वार्ड में जाएंगे तो कुछ काम होगा। पट्टों के लिए ये है कि जो पुराने पट्टे हैं, लोगों ने 2-2, 3-3 साल पहले पैसे भर रखे हैं, उनके भी पट्टे नहीं मिल रहे हैं। पट्टों में कच्ची बस्ती का रामायण, कृष्ण कुछ रामायण, मतलब ऐसे 20 तरह की रामायण डाल रखी है कि वो 20 तरह की रामायण जैसे जैसे फीडबैक मिलता है वैसे वैसे रोज क्लैरिफिकेशन हो रहा है। कच्ची बस्ती का भी हुआ जैसे क्लैरिफिकेशन, हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि ऐसा करो। दूसरा, इनके जो ये लाइटों का सॉल्यूशन है, अब लाइटों का सॉल्यूशन है, पूरा स्टाफ यहाँ आके बैठा है, कोई भी काम के लिए सब स्टाफ यहाँ अवेलेबल है। उस स्टाफ अवेलेबिलिटी के लिए मुख्यमंत्री ने काम तो बड़े अच्छे उद्देश्य से शुरू किया, लेकिन इसमें भी अगर कोई कायदे कानून पचड़े में फंसाए और पब्लिक आए और धक्का खा के चली जाए तो उसे क्या फ़ायदा मिल रहा है? उल्टा इससे आक्रोश पैदा होगा लोगों को, वार्ड मेंबरों को जवाब देना भारी पड़ जाएगा, नेताओं को जवाब देना भारी पड़ जाएगा। इसलिए मैंने आज भी इनसे अनुरोध किया है, मैं प्रशासन गाँव के संग जाता हूँ, वहाँ पर भी मैं अनुरोध करता हूँ कि आप मेहरबानी करके, शांति धारीवाल जी जोधपुर में मीटिंग करके कह के गए कि हमने 10 लाख का टारगेट दिया है, आप मेहरबानी करके 10 की जगह 20 लाख पट्टे बांटो, कोई छोटा मोटा लेक्यूना है उसको इग्नोर करो, इग्नोर करके उस गरीब को पट्टा दो, उसको राहत मिले, वो राहत मिलने का काम करें, तब तो वाह वाही हो जाएगी। और राहत नहीं मिली और ये कानूनी पचड़े में ही किसी को ना देते रहे, किसी को कुछ करते रहे, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए किए जाते हैं कि एक ही स्थान पर एक ही सभी लोग छोटे हो जाएं और आम जन को भटकना नहीं पड़े, भटकना नहीं। क्या वो उद्देश्य पूरा हो रहा है? वो उद्देश्य मुझे अभी तक तो लगा कि वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। ईमानदारी की बात है कि वो उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। इसमें 20 तरह की बातें, 20 तरह के बहाने, 20 तरह की जो रामायण है, बस सिर्फ ये काम ये अच्छा हो रहा है कि छोटे से लगा के बड़े से बड़ा अफसर तक इस कैंप में मौजूद रहता है, बड़ा अफसर तक इस कैंप में मौजूद रहता है और मौजूद रह के वो कोशिश करता है। अब वो कानून, उसको तो गाइडलाइन से चलना पड़ता है, वो सरकारी अफसर क्या करे, गाइडलाइन धीरे धीरे जैसे जैसे मुख्यमंत्री को पता चल रही है वो उसमें सुधार करने की रोज अमेंडमेंट कर रहे हैं, पहले एक जगह लगाया था, वार्ड वाइज लगाना चालू किया जी। एक बात करें, आमजन जैसे पट्टों के लिए परेशान हो रहा है, हाँ, कुछ दिन पहले मुद्दा भी उठा था कि शहर में जो है बहुमंजिला इमारतों का निर्माण नियम विरुद्ध हुआ, बिना परमिशन के हुआ। आमजन के यहाँ तो जो है नगर परिषद की टीम पहुंच जाती है, कार्रवाई की है, सामान सीज कर दिया जाता है, तो यहाँ जो ये बहुमंजिला इमारतें हो रही है, कोर्ट ने कुछ आदेश भी दिए हैं, तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्यों ये कुछ हो रहा है? बहुमंजिला जो इमारतें हैं उसके खिलाफ मैंने यहाँ आमरण अनशन भी किया था, रात को 2:30 बजे तक कलेक्टर जगते रहा, कलेक्ट्रेट पूरी खुली रही। उस समय सांसद थे बद्री जाखड़ जी, बद्री जाखड़ जी ने मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे मेरे को उस आमरण अनशन से उठाया था। उन बहुमंजिला इमारतों में सेटबैक नहीं है, ठीक है, पार्किंग नहीं है और वो बहुमंजिला इमारतें खड़ी है। मैंने 20 बात करी, लिखित में मेरे पास एग्रीमेंट है, ये पंप के पास बिल्डिंग खड़ी है, चेयरमैन साहब की बिल्डिंग खड़ी है, इसमें कहाँ सेटबैक है, इसमें कहाँ पार्किंग है, और पेट्रोल पंप के बाजू में बहुमंजिला इमारत बनी हुई है, कोई इनका
नौकर भी चपरासी भी बीडीपी के सिगरेट पी के तूड़ी डाल दे तो ऐसा काम होना ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी सैकड़ों बिल्डिंगें बनी हुई है। यह हकीकत है, प्रशासन शहरों के अभियान की पूर्व विधायक भीमराज भाटी का यह कहना है कि जो उद्देश्य है मुख्यमंत्री का, उद्देश्य तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कई लेकुना के चलते और लापरवाही के चलते, आपसी समन्वय नहीं होने के चलते आम जन को जो वाकई इस अभियान का लाभ मिलना चाहिए था वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे इस अभियान पर प्रश्न चिन्ह लगता नजर आ रहा है। मैं पाली से A1 TV के लिए सिकंदर खान के साथ मनोज